नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। सोनभद्र की क्राइम ब्रांच व थाना करमा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 105 ग्राम हीरोइन जिसकी कीमत 11 लाख रुपए बताई जा रही है के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपमहानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अमरेंद्र प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद में मादक पदार्थों की बरामदगी और संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लाजर अभियान के क्रम में आज पुलिस को इस सफलता हाथ लगी है। जो अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कल 14/5/21 को करमा थाना क्षेत्र से अभियुक्त लीला सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से 105 ग्राम हीरोइन, 4500 रुपये नगद और एक मोबाइल बरामद किया गया है। इससे पूछताछ की गई तो ये उसने बताया कि ये जो कुछ है ये तस्करी करता है और बाराबंकी से ला करके अपने जनपद के रेलू ग्रुप में बेचता है। ये मूल रूप से रहने वाला सासनी आतरस का है, लेकिन वर्तमान में ये रेलू ग्रुप में रहता है। तो इसको हमारे स्वाट सर्विलांस और ये सोजी की के साथ करमा पुलिस ने इसको पकड़ा है, उनको फ्रेम काम किया है। इसके विरुद्ध डेली केस में करना पंजीकृत करके इसको जब्त किया है। बरामदगी जो हुई है, ऐसे जो मुख्य अभियुक्त रहते हैं वो बच जाते हैं, अभी भी एक के मुख्य पकड़े जा रहे हैं, इसको लेकर सर कोई बड़ा कार्रवाई अब तक नहीं किया जा रहा है। देखिए, ये जो पकड़ा गया है, जो 105 ग्राम की रोक करी गई है, इसकी जो कीमत बताई जा रही है करीब 11 लाख रुपए है। और इसके उसमें जो और लोग जुड़े हुए हैं उनके बारे में भी इससे इन्फॉर्मेशन किया जा रहा है और उनके भी इसमें कार्रवाई। पुलिस टीम को सर कितना इनाम दिया गया? 10,000 रुपये का।